रायगढ़ जिले के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में कारोबारी मयंक मित्तल ने खुदकुशी कर ली। वही मौत के कारणों की पुष्टि अब तक नहीं हो पाई है, लेकिन मृतक के परिजनों ने बताया है कि मयंक एक सट्टा खाईवाल के तगादे से परेशान था। बताया जा रहा है कि मयंक सट्टे में बड़ी रकम हार गया था। वहीं मयंक मित्तल ने अपने घर के पीछे गोदाम में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। अंतिम यात्रा में शहर के सैकड़ों लोग शामिल हुए, जो हाथों में तख्ती लिए जुआ सट्टा पर लगाम लगाने की मांग की। वहीं जुआ सट्टा के खिलाफ जन आक्रोश भी देखने को मिला। इसके साथ ही जुआ सट्टा पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने और मित्तल परिवार के लिए इंसाफ की मांग की गई। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पिछली रात शहर के दो युवाओं ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसमें से एक का नाम मयंक मित्तल और दूसरे का नाम मुनव्वर राणा। और जो जानकारी और जो बातें निकल के आई है, कमोबेश यह निकल कर आ रही है कि इन सब के पीछे में कहीं ना कहीं सट्टे नहीं, पूरे समाज में जुआ सट्टा प्रवृत्ति बहुत बढ़ती जा रही है। समाज को भी इस दिशा में और सोचना चाहिए, परिवार के जो बड़े हैं उनको भी इस दिशा में सोचना चाहिए। लेकिन इससे ज्यादा एक सामाजिक दायित्व आता है पुलिस पर कि पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है। लगातार तो नहीं बोलना चाहिए, आज एक जानकारी आ रही है, उस पर भी हमारी अभी इन्वेस्टिगेशन और है कि आखिर क्या कारण है। ये श्योर नहीं है कि एक ही कारण हो सकता है, जिसमें कुछ परिवार वालों द्वारा ये बोला जा रहा है कि ये शायद जुआ खेलता था कहीं पे जाके, और उसी की जो इसकी देनदारी बढ़ गई थी उसके कारण ऐसा हुआ।